हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.4 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेंड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ। व्हाट इज द नंबर? अमीना वो सोचा कि एक नंबर वो सोचा है और उसी में से 5/2 को वो सब्ट्रैक्ट कर लिया है। उसके बाद वो जो रिजल्ट आया उसके साथ उसको 8 में मल्टीप्लाई कर दिया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेंड इज 3 टाइम्स, मतलब हम जो RHS साइड में 3 टाइम्स वो रिजल्ट जो आया 3 टाइम्स होगा द सेम नंबर जो सोचा था। जो नंबर पहले वे सोचा था वो राइट पे सेम नंबर पर 3 गुना होके आया। तो व्हाट इज द नंबर? पहले उस नंबर को हम क्या करेंगे, लेट ले लेंगे। लेट दैट नंबर बी, लेट दैट नंबर बी एक्स। ओके, नेक्स्ट नंबर बी जो सोचा था, एक नंबर को वो सोचा। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर, मतलब ये नंबर को अगर वो सोचा कि उसके बाद सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इट, अगर हम x माइनस 5/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट, मतलब उसके साथ वो 8 को मल्टीप्लाई किया है एंड द रिजल्ट नाउ ऑब्टेंड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। देखो सेम नंबर मतलब ये नंबर अगर वो सोचा तो 3 टाइम्स ये होगा। क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये इक्वेशन हमको मिला है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 8x माइनस ये जो 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3x। ओके, तो ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पर 40, इसको 20 आप कर सकते हो। 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 3x। नेक्स्ट हमको वेरिएबल के एक जगह लाना है। 8x माइनस 3x इज इक्वल टू, ये जो माइनस साइन होके 20 है ना, यहाँ पर 20 प्लस साइन में हो जाएगा क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है। तो 5x इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट स्टेप, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 5 जो कि 4 है। एक्स इज इक्वल टू हमको 4 मिल गया। और व्हाट इज द नंबर? एक्स इज द नंबर, देयरफॉर द नंबर इज 4 जो कि वो सोचा था। आप इसको पुट करके भी देख सकते हो, 4 को ये एक्स के जगह पुट करके 8 को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, वो 3 गुना होता है कि नहीं। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, व्हाट आर द नंबर्स? तो यहाँ पर दो पॉजिटिव नंबर दिए गए हैं। लेट द पॉजिटिव नंबर नंबर्स बी एक्स एंड 5x, क्योंकि ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, मतलब दोनों नंबर हमको नहीं पता ना, तो एक x ले होगा तो और दूसरा 5 टाइम्स उसके मल्टी, मतलब 5 गुना ज्यादा होगा, 5 टाइम्स उसको ज्यादा होगा। देन इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, 21 ऐड होगा दोनों पे, तो एक्स प्लस 21 एंड 5x प्लस 21 वही बोला है। देन वन ऑफ द नंबर न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, ठीक है। तो इसको हम इक्वल अगर करेंगे तो इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो ये नंबर होगा 5x प्लस 21। क्वेश्चन के हिसाब से 2 को मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे तो 5x प्लस 21 वो देगा। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, तो एक जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप x प्लस 21 से ज्यादा है 5x प्लस 21। ओके, तो 5x प्लस 21 को अगर हम इक्वल करेंगे x प्लस 21 के साथ तो 2 हम कौन से साइड मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को हम लेफ्ट साइड में, मतलब x प्लस 21 के साइड पे ही मल्टीप्लाई करेंगे।
जैसे कि हमारा इक्वल साइन को इक्वेट कर सकते, मतलब दोनों एलएचएस एंड आरएचएस को इक्वल कर सकते, बैलेंस कर सके। ओके नेक्स्ट हमको इक्वेशन मिल गया, तो अभी हम सॉल्व कर सकते हैं। 2x प्लस 42 इजिकल टू 5x प्लस 21। ओके तो 2x, ये जो 5x है हम राइट लेफ्ट पे ले आएंगे माइनस, और ये 21 जैसे था, और ये जो 42 है ना वो लेफ्ट राइट पे आ जाएगा माइनस साइन होके। और ये तो 5 तो बड़ा है 2 से, तो हमको क्या करना है, माइनस करना है प्लस नेगेटिव साइन भी देना है। कितना आ जाएगा, माइनस 3x इजिकल टू माइनस 21। अभी ये जो माइनस माइनस साइन ना आप इधर भी हटा सकते हो, तो 3x इजिकल टू 21 एंड x इजिकल टू 21 बाय 3 जो कि 7 है। x अगर 7 हुआ तो दूसरा नंबर क्या होगा, x इजिकल टू 7 फर्स्ट नंबर एंड 5x इज अनदर नंबर जो कि 7 इंटू 5 35 सेकेंड नंबर। व्हाट आर द नंबर्स, एक इज एक है 7 और दूसरा हमारा 35 जो कि 5 गुना ज्यादा है उसके, हो गया हमारा फाइनल आंसर। बस आपको ये इक्वेशन को समझना है, मल्टीप्लाई कहाँ पर करना है। देखो इक्वल साइन लगा है तो मतलब ये तो ग्रेटर देन है ना, x प्लस 21 से 5x प्लस 5x 21 इससे ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई इस साइड करोगे, छोटे साइड से करोगे तो वो इक्वल हो सकता है। इसी हिसाब से आपको मल्टीप्लाई 2 को इसी पे ही मल्टीप्लाई करना। अगर आप इस साइड करोगे मतलब ग्रेटर देन में, तो आपको इक्वल मतलब LHS इजिकल टू RHS करके आप नहीं निकाल सकते। ओके बस उसी लाइन को आप समझ लोगे तो आंसर अच्छे से हो सकता है। नेक्स्ट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।